तो तुम्हें जेल के अंदर जेल के कपड़े नहीं पहनने होते थे नहीं नहीं जेल के अंदर जेल के कपड़े नहीं आप अपने ही कपड़े पहन सकते हो लेकिन वो कपड़े आपके पूरे ढके हुए होने चाहिए अच्छा हाँ आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते आप सूट पहनो शलवार कमीज पहनो या फिर आप लॉन्ग कुर्ती पहनो फ्रॉक पहनो और दुपट्टा ओढ़कर ही आप बाहर निकल सकते हो लंगर तक जाना है अगर आपको तो आप दुपट्टा ओढ़कर ही जाओगे ये चीज़ एक थी जो मुझे अच्छी लगी वहाँ पर कि ठीक तो तो महिला, महिला हाँ, दूसरे बेरिक में हमारे बेरिक में तो नहीं था ऐसा मैंने सुना मुझे नहीं पता वो सच था या झूठ था बट कंप्लेंट आई थी किसी की स्टाफ के पास कि दो लड़कियाँ आपस में बाथरूम में एक दूसरे के साथ बदतमीजी कर रही थी वो चार पांच साल से नाम पे कस्टडी में और ऐसा वहाँ पे कहा जाता है कि जो औरतें बहुत पुराने अंदर रह रही हैं तो, आपस, तो आपस में भी आपस में पार्टनर्स तो बनी बन जाती हैं सहेलियां बन जाती हैं दोस्त बन जाती हैं रहते रहते हैं जो क्रिमिनल है एक दूसरे के साथ और कुछ औरतें गलत भी करती हैं आपस में okay, तो उनके अगर वो पकड़ में आ जाए तो क्या होता है उनके साथ क्या ही होगा कुछ नहीं स्टाफ जेलर वगैरह आते हैं और उनको डांटते हैं कि हम तुम्हारी आगे वो कर देंगे तुम्हारी बेल नहीं होगी फिर कभी या तुम्हारी सजा बढ़ जाएगी इस तरीके की उनको धमकी देते तो होता कुछ नहीं है वैसे बेसिकली मेरे सामने अच्छा। ऐसा कुछ हुआ नहीं कोई स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लिया जाता सिर्फ धमकी धनकी देके उन्हें खत्म कर दिया जाता है तो वहाँ पे जेल में क्या लाइब्रेरी वगैरह भी होती है हाँ जेल में लाइब्रेरी भी होती है आपको सिलाई भी सिखाई जाती है आपको आप मतलब पढ़ना चाहो तो आप वहाँ से पढ़ाई भी कर सकते हो आप फॉर्म भर दो और आपको एग्ज़ाम पे भेज दिया जाएगा वहाँ से लेकिन जो भी चीज़ें वहाँ पर है वो सिखाने वाली भी वही औरतें जो जेल में ऑलरेडी कस्टडी काट रही हैं। तो जेल में तेरा तो एक बेटा था ठीक है तो कभी ऐसा होता था कि अपने बच्चे की याद आती थी या उससे मिलने का सीन वो सिचुएशन कैसी थी कब फर्स्ट टाइम अपने बच्चे से मिली थी फिर अपने बेटे की याद एक जिस दिन मैं अरेस्ट हुई थी ना उस दिन से लेके वो लास्ट डे वो छः महीने का लास्ट डे जो मेरा जेल में था उस दिन तक एक मिनट भी ऐसा नहीं था जिस वक्त मैं अपने मैंने अपने बेटे को याद नहीं किया या जिस वक्त मैं अपने बेटे को याद करके नहीं रोई सच बताऊँ तो सब कुछ एक तरफ था और मेरा बेटा एक तरफ था सिर्फ उसकी ही वजह से मैं वहाँ पर जिंदा रह पाई हूँ वरना मैं सच में सुसाइड कर लेती क्योंकि मैंने बहुत बार सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँ और मैंने कोशिश भी की पर मैं कर नहीं पाई लेकिन थैंक गॉड कि मैंने सुसाइड नहीं की और आज मैं बाहर आ चुकी हूँ और मैं अपनी लाइफ में बहुत मूव ऑन कर चुकी हूँ और चीज़ें दोबारा से मैं रिकवर कर पा रही हूँ ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया तो जेल में कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जिनके बच्चे उनके साथ रह रहे थे हाँ। ऐसी रह हाँ, से से मतलब जेल प्रशासन कुछ अलग से करता था या वो भी वैसे जीते थे वैसे खाते थे हाँ उनके उन... लिए जेल प्रशासन ये करता था कि उनको अमूल फुल क्रीम दूध मिलता था बच्चों को जो बच्चे हैं एक बच्चे को एक किलो दूध मिलता था रोजाना जैसे कि जो नॉर्मली हम औरतें थी उनको तो मिलता था आधा किलो पैकेट दो औरतों को यानी कि एक कप दूध छोटा सा पाव मिल्क पाव मिल्क डबल टोन मीठा का ये दूध मिलता था जेल के अंदर हम सब औरतों को सब लड़कियों को और जो जिनके बच्चे थे उन औरतों के बच्चों को मिलता था एक किलो अमूल फुल क्रीम दूध और एक एप्पल कोई भी एक फ्रूट या तो एप्पल या बनाना और उनके बच्चों को दूध और फ्रूट और खाने में भी मतलब जो चीजें आती थी जैसे कि क्या था बाकी औरतों को या तो रोटी ही मिलेगी या चावल ही मिलेगा चा, या तो आप दाल चावल ले लो या फिर आप रोटी दाल ले लो वो आपकी चॉइस है पर उन बच्चों को रोटी भी मिलती थी दाल भी मिलती लेकिन थी लेकिन वही वाला मिलते थे लेकिन वही वाला मिलता दूध हाँ। मिलता <coughs> था और एक फ्रूट मिलता था कोई जैसे हम फिल्मों में देखते हैं न्यूज पेपर थे जेल में टीवी सबके पर्सनल कुछ वीआईपी लोग होते हैं उनके पर्सनल कैबिन होते हैं ऐसा कुछ था वहाँ पे नहीं 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 एक्चुअली क्या है जेल के अंदर टीवी जो जेल के अंदर था वो भी कोई गवर्नमेंट का दिया हुआ नहीं था कुछ आदमी आदमियों के साइड से कुछ होते है ना बहुत अमीर लोग तो वो अपने लिए टीवी वी मंगाना चाहता है अगर कोई बंदा जेल में फॉर एग्जांपल मैं हूँ मैं अपने मैं चाहती हूँ कि मुझे टीवी चाहिए और मैं वहाँ गवर्नमेंट अपने जज को अपलीकेशन लगानी पड़ेगी मुझे कि मुझे एक टी वी मंगाना है तो मैं एक टी नहीं मंगाऊंगी फिर मैं पूरी जेल की नहीं टी मंगाऊंगी और वो टी वी मैं जब मेरी बेल होगी मैं वापस नहीं ले जा सकती अगर मुझे अपने लिए कोई भी चीज़ मंगानी है तो वो मुझे पूरे जेल की नहीं मंगानी पड़ेगी अच्छा जो वी लोग मंगाते होंगे हाँ तो वहाँ पे वहाँ पर इसी तरह किसी वी बंदे ने टी मंगाया था शायद जेंट्स में तो उन्होंने इतने टीवी मंगाए कि चार टीवी उन्होंने फिर औरतों की जेल में भी भेजे तो हर तो इसलिए हर बैरिक में एक टीवी लगा हुआ था और उस टीवी के ऊपर डेली लड़ाई होती थी डेली मारपीट होती थी गाली ग्लोच तो वहां पर इतनी आम बातें ना मतलब बहुत ही आम बातें बिना गाली के तो वहां कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करता तो चलता क्या था दिन कुछ नहीं वहाँ पे सिर्फ सरकारी चैनल ही चलते हैं ऑलमोस्ट पे उस में सिर्फ न्यूज ही चलती थी या एक आध कोई सरकारी चैनल था जिसपे गाने गाने आते थे या कोई टीवी सीरियल वगैरह आता था तो औरतें रात में बैठ के टीवी सीरियल देखती थी और क्योंकि पच्चीस औरतें तो एक औरत सीरियल देखना चाहती है एक औरत न्यूज देखना चाहती है एक औरत गाने सुनना चाहती है तो इसलिए तीनों के आपस में लड़ाई होती थी डेली सोने का टाइम क्या था फिक्स वैसे वहाँ पे सोने का टाइम रात को दस बजे का था और दस बजे भी अगर आप नहीं सोओगे तो आप बैठे रहो पर अपनी सीट पर ही बैठे रहो आप कहीं जा नहीं सकते